गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हमारा जमशेदपुर में लास्ट दिन, कल हम निकल जाएंगे और कल हमारी ट्रेन है सुबह मॉर्निंग का। तो सोचे कि आज एक दिन बचा है तो घुमा ले आते हैं आसी को, जिसे देख करके उसको भी पसंद आया। वैसे तो यहाँ बहुत सारी जगह है, एक दिन में नहीं घूम सकते, बट उसके हिसाब से हम सोचे कि आज उसको जू लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ पास का फेमस जू है और हम निकले थे उसी के लिए। तो ये जो आपको किनारे से दिख रहा है वो जुबली पार्क है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हम आधा भी नहीं घूम पाए थे क्योंकि बहुत बड़ा है ये। हमको घूमते घूमते ही शाम हो गया था और बहुत बड़ा था तो आधा ही हो पाया था, इस वजह से हम लोग नहीं ज़्यादा घूमे थे। और इस बार ही नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हम लोगों के पास आज ही का दिन था, तो हम सोचे थे कि आसी को जू लेके जाएंगे। अगर यहाँ जाते तो हमारा पूरा टाइम यहाँ निकल जाता, इस वजह से हम नहीं गए। और ना गाड़ी आ गया था झारसुगड़ा से, तो माँ के लिए ना एक हेलमेट लेना था, तो ये वाला लिए थे जिसको मैं अभी ही पहन ली थी। फिर हम पहुँच गए थे टाटा स्काई जूलॉजी पार्क, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था और यहाँ पर पार्किंग था, वहाँ पे हम पार्क करके फिर अंदर चले गए थे। तो गाइस हम जू पहुँच गए हैं, चलो बेटो अभी आपको शेर हाथी सब दिखाएंगे अगर दिखेगा तो। और देख रहे हैं कितना बड़ा बैग, चलो 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 चलो। तो गाइस हम स्टार्ट किए ही हैं और ये एरोप्लेन जा रहा है, आते देख रहे। हाँ क्या है, एरोप्लेन, चलो। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं क्योंकि ना आसी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। वो बहुत मतलब ये बस पेड़ के पास, जितना ये आसपास में पेड़ दिख रहे हैं ना, सबको तोड़ रही है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि एक गाड़ी बुक करवा लेते हैं, ये भी शांत बैठे रहेगी और देखना भी जाएगा। इसमें क्या है ना, डबल थक रहे हैं आसी की वजह से, और वो क्या एक्टिव है, थोड़ी देर बाद फुस्त हो जाएगी, हम ही लोगों को गोदी लेना होगा। और बहुत दौड़ रही, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर, इसलिए जा रहे हैं वापस गेट के पास गाड़ी लेने। ज़्यादा दूर नहीं आए थे, बस ये गेट के पास ही आ गए थे। उसका चंचलपन देख के हम समझ गए कि वो हम लोग को घूमने नहीं देगी, इसी वजह से। ये ई कार्ट स्टैंड है, यहीं से गाड़ी लेना होगा और देखते हैं क्या रेट लगाते हैं। आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, मैं यहीं खड़े हो जाती हूँ, फिर क्यों जाऊँ। आसी क्या देखने जा रहे हैं, आसी हाँ क्या देखने जा रहे हैं, भालू बंद हो गया। अच्छा वो रहा बेटा भालू, अरे भालू देखना पिंकी इसका सर में लगेगा। हाँ हाँ ये है समझ। अच्छा ये ला है समझ, ये बता बेटा देखो बेटा कितना सारा कबूतर भी है, देख रहे हो
क्या देख रहे हैं हंसी? हाथी बलून। अच्छा हाँ, ये छोटा है सही ना। हाँ डाला हुआ है, अलग किया हुआ है। अच्छा ये देखो बेटा, हाउ डियर बोलते हैं, डाजे का पैर छोटा होता है। अच्छा ये फीमेल है। अच्छा देखो बेटा, हाँ हाँ बेटा। हाँ तो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं कि सलमान खान ने कौन से हिरन का एक्सीडेंट किया है। आइए, ये हमारे जो भैया हैं वो बताए कि सलमान खान ने यही हिरन का एक्सीडेंट किया था, मतलब यही प्रजाति का, शायद आपको दिख रहा होगा। और देखो ये दीदी, हाँ मोर बेटा, पीकॉक। और देखो देखा, वाइट डियर। अरे वाह, वो लास्ट शॉट कितना सुंदर लग रहा है। चल के मेल थी ये दोनों साथ में कि अलग अलग? अलग नहीं, साथ में, जिसका सिंग नहीं है ना। हाँ। फीमेल है। अच्छा सिंग है, वो मेल है। ज़ेब्रा। हाँ देखो ज़ेब्रा, ये देखो ज़ेब्रा। हेलो, देखो क्या है। हाँ वो लोग खाना खा रहे हैं बेटा, देखा फोटो खिंचाना। अरे ऐसी मंकी दिखेगा अभी आपको। अरे यहाँ इसका आँख में चोट लगे है क्या? इसमें चोट लग गया है, दिख नहीं रहा मेरे फोन में। ये क्या है? काटा वाला जो खाना खा रहे, सब खाना खाने का टाइम है। देखो पाई जी, देखो क्या खा रहे, क्या खा रहे थी। कैसे दिख रहे हैं? ऐसे से देख रहे हैं। हाँ चलो अब उधर बर्ड देखेंगे, ठीक है। इधर देखना है वो, देखो आपको कैसे कर रहे हैं वो भी। चलो 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 चलो, उधर सब बर्ड आते टाइम देखेंगे, पकड़ो। खाना खा रहा है देखो बेटा, हिप्पो खाना खा रहा है, बट अभी उसका खाने का टाइम है ना। बॉक्स भी खराब हो गया है, पूरा रस्ट खा गया। देखिए हिप्पो खाना खा चुका है और अभी आ रहा है। क्या है बेटा वो? हिप्पो पता नहीं, हिप्पो हिप्पो एक ऐड आता था इसमें। देखो देखा, क्या बेटा? हिप्पो बोल दो, हिप्पो।
कितना भारी होता होगा, किसी के ऊपर बैठ जाएगा तो बेचारा आदमी या फिर उसका तो बैंडे बच जाएगा। पानी पीने आ रहा है, खाना अभी जस्ट खाया, पानी पीने आ रहा है मे बी। देखो आपको देखने आया है, अरे वो तो सो रहा है, उसको नींद आ रहा है। देखा हाँ, नहीं वो देखो आपको देख रहा है, देखा आपको देख रहा है हाँ। कैसे कर रहा है, आपको देख रहा है, देखो आपको देखने के लिए पास से आ रहा है। पानी पी रहा है हाँ। सिल्वर पिजेंट देखो बेटा, व्हाइट कलर है और चिकन जैसा थोड़ी देखे, जापानी बटेर कहाँ है, हाँ गोल्डन पिजन हाँ ऊपर में भी चढ़ा है, ऐसे तो दिख गया। ये देखो देसी मुर्गा बेटा, चिकन चिकन चिकन। गाइस अभी पानी लेने के लिए उतरे हैं, बहुत प्यास लग रहा है घूम घूम कर। अच्छी हम लोग क्या देखे अभी, हाथी, हाथी तो अभी देखे ही नहीं है, हिप्पो, हिप्पो देखी, हिप्पो देखे हाँ। अच्छा लगा हाँ। अब वो कैसे कर रहा था, हाथी को देखता था, हाथी को देख रहा था हाँ। और पानी में चला गया है ना हाँ। नहीं चल रहा था हाँ। आते टाइम ये पड़ेगा क्या, आते टाइम निकलना उधर दिखा, चलो अंदर में घुस गए। गाइस यहाँ पर जो ये चीता वो सोया हुआ है अंदर, अभी हम जा रहे हैं टाइगर देखने और हमारे ऑटो वाले भैया उधर जा रहे हैं। इधर है बंगाल टाइगर, दिखा बेटा टाइगर, सुन लिखे अब सुच, वाओ पास ठीक है, 1 घंटा पहले गला सामने से और कितना प्यारा लग रहा है ऐसा वसु ना ना हां। अरे पर हम लोग आए तो उठ के क्यों चला गया, हां अच्छा खासा बैठा था, हम लोग आए तो उठ के जा रहे हैं। देखो कितना सारा हिरन है और नील गाय भी है, दिख रहा है बेटा, हम लोग जब निकल रहे थे तो आसी इतना बदमाशी कर रही थी कि स्टाफ रूम में चली गई थी, और स्टाफ रूम में ये सब जो लगा हुआ था इसको हम देख रहे थे, और जो वहाँ के एक स्टाफ थे वो भी हमें बता रहे थे कितना अच्छे तरीके से, और ये सब बहुत ही मतलब ये ना अलग से बाहर से नहीं आया था, नेचुरली जो यहाँ पे जिनका डेथ होता है जो भी जानवर का उनको ये ऐसे लिक्विड में रख देते थे कि कोई भी आए तो इनके बारे में पूछे तो इन्हें बता सके। और ये ना जो लिक्विड है बता रहे थे ये स्टाफ के जो यहाँ पर थे वो बता रहे थे कि ये हर साल ना लिक्विड चेंज होता है, वरना जो इसके स्मेल से ना ये लोग भी बैठ नहीं पाते, और इनके ये सब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे थे। चल ही रहे लायन का, ये सब आता कैसे,
जो करली वाला है लेकिन ये सॉलिड है, देखिए इसको सॉलिड है, वो होल है, यही अंतर है इसमें। अच्छा, ये झड़ जाएगा, ये झड़ जाएगा फिर दोबारा हो, साल में एक बार झड़ा, वो नहीं झड़ेगा। ये तो स्नेक को मैं कहूँगा कि यहाँ पर ऐसी काफ़ी गाइस, अब हम निकल रहे हैं और हमारा जू राइड हो गया कंप्लीट। चलो बेटा, चलो 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 चलो, देखो देखो, चलो 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 चलो, चलो। आगे देख के चलो, इसके बाद ना हम सोचे थे कि इको पार्क जाएंगे, बट ना यहाँ से हम लोग को बहुत लेट हो गया, 3 बज गया था और खाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ से हम सीधा चले गए थे खाने के लिए। और आसी को भी भूख लग रहा था तो होटल कार्नेल आए थे, जो कि बोलते हैं यहाँ पर का फेमस, मतलब यहाँ का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, पापा बताए थे, तो हम लोग सोचे यहीं आ गए थे खाने के लिए। हमारा खाना आ चुका है और अभी हम लंच कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 2:30 ऑलरेडी बज गया है और इसके बाद हम लोग और घूमने जाना है, तो चलिए पहले खा लेते हैं उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ना हम सीधा घर चले गए थे, उससे पहले साक्षी मार्केट गए थे कुछ लेने के लिए, बट वहाँ ना आज पता नहीं सामान ठीक से हम लोग को मिला नहीं, बस बाबू के लिए हमने 2 कैप लिया ठंड के लिए और फिर यहाँ से डायरेक्ट हम घर चले गए थे। फिर शाम को हम पहुँच गए थे मामी के घर, क्योंकि आज जो खाने का टाइम, मतलब मामी बोली थी आज खाना यहीं खाइएगा, तो हम सब यहीं थे, आसी चाचू का वो अपने चाचू के साथ खेल रही थी और यहाँ पे मस्ती भी चल रहा था। खाना खाने के बाद ना हम घर चले गए थे, उसके बाद पैकिंग वगैरह में ना टाइम चला गया था, व्लॉगिंग और नहीं कर पाई थी। अभी हो रहा है रात की 8 और आसी सो गई क्योंकि दिन भर वो ना घूमी है, जिस वजह से ना उसको थकान लग रहा था तो सो गई वो, उसको सोची थी नहीं सुलाऊंगी बट सो गई। और यहाँ पर टुबलू जो है वो होमवर्क कर रहे हैं, है ना टुबलू, होमवर्क कर रहे, तो मैं उसको बैठी हूँ होमवर्क ताकि वो सही से कर सके। और मामी जी है वो किचन में लगी हुई है, रोटी बनाते टाइम हम जाएंगे और माँ वहाँ बाहर बैठे हैं और पापा चले गए हैं ट्रेन पे, क्योंकि आज उनका ट्रेन है झारसुगड़ा जाने के लिए, क्योंकि झारसुगड़ा में भी काम है, तो पापा आज निकल गए हैं और हम लोग का ट्रेन है कल, कल सुबह 8 बजे। चलो होमवर्क करो, दिख क्या रहे हो, दिख रहे हो मेरे को देख रहे हैं। नहीं मामी अभी ख़त्म नहीं हुआ।